हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अ न्यू वीडियो रिव्यू। जेस तो मैं आज आपके साथ जो शेयर करूँगी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और साथ के साथ आपने टाइटल में भी देख ही लिया होगा कि मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है स्विस ब्यूटी का प्राइमर जेस। एंड मैं इसे अप्रॉक्स मैंने भी अभी से न्यूली ही जो है यूज़ करना शुरू किया है। इससे पहले मैं इनसाइड का यूज़ कर रही थी तो वो भी काफ़ी अच्छा था, बट अभी मैंने फ़िलहाल ये वाला यूज़ किया है। इसे मेरे को काफ़ी टाइम से लेने का मन था कि मैंने एक बारी स्विस ब्यूटी के आउटलेट पे जाके इसको एज आ ट्राई किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये। तो मुझे जब से माइंड में था कि मुझे जब भी नेक्स्ट प्राइमर मैं तब जब भी लूँगी तो मैं यही वाला प्राइमर जो है ट्राई करूँगी, को था कि मुझे लेना है। मैंने इसको लिया, मैंने इसको 1 मंथ के अप्रॉक्स में इसको यूज़ कर चुकी हूँ। एंड अभी जैसे फेस्टिवल सीज़न है तो मैंने अभी लास्ट फिलहाल ही करवा चौथ पे इसको यूज़ किया था तो मुझे जो लुक निकल कर आया, मतलब जो मेरे पहले जो मैं प्राइमर यूज़ कर रही थी तो उसके बाद जो मैंने इसका यूज़ करना शुरू किया तो मुझे क्या क्या डिफरेंस दिखा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरा डिटेल में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इस वीडियो को शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में ये रिव्यू। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं यहाँ पर जो बात कर रही हूँ वो है स्विस ब्यूटी का प्राइमर और इसकी जो कॉस्ट है, पहले मैं आपको अपना शेड बता देती हूँ जो मैं यहाँ पे रिव्यू करूँगी वो है N03 का पिंक टिंट। इसमें मेरा जो शेड नंबर है वो है 903 पिंक टिंट, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है, इनकी जो MRP है वो 349 के अप्रॉक्स 350 ही आपको ये पड़ेगा, ठीक है। और साथ के साथ इसकी जो नेट वेट है वो 30 ml है। अब डिपेंड करता है प्राइस का, अगर आप मोस्टली अगर आप स्विस ब्यूटी के किसी शॉप से मतलब आउटलेट पे जाके भी खरीदते हैं तो आपको थोड़ा वो डिस्काउंट वो भी दे देते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदते हैं तो लाइक जैसे पर्पल या फिर नायका वगैरह, तो आपको वहाँ पे भी इस पर डिस्काउंट मिल जाता है। एंड फेस्टिवल सीज़न है तो आराम से आपको सेल वगैरह चली रही होती है तो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। मैंने भी ये लाइक ऑफर में ही मंगवाया था तो मुझे अच्छे खासे डील पर ये मिल गया था, ठीक है। तो मैंने पिंक टिंट ही मंगवाया था क्योंकि मुझे पिंक टिंट में ट्राई करना था। इसके 3 शेड्स आते हैं, एक आता है नेचुरल और गोल्डन एंड पिंक। अब आप पे डिपेंड करता है कि वो आप कौन सा लेना चाहते हैं, पिंक टिंट का लेना चाहते हैं या गोल्डन टिंट या फिर नेचुरल, ठीक है। मेरे को पिंक टिंट पसंद है, मतलब थोड़ा सा पिंक टिंट रहे फेस पे, मैंने इसीलिए ये वाला मंगाया था। अब आप पे डिपेंड करता है, कौन सा भी कोई सा भी जो आपको पसंद है आप मंगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी इसका टेक्स्चर भी दिखाऊंगी कि पिंक टिंट में क्या डिफरेंस, मतलब पिंक टिंट का क्या टेक्स्चर है, ठीक है। आपको बता दिए 3 शेड में आता है। एंड इसकी जो पहले मैं आपको इसका एक टिंट का पैकेजिंग आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो पैकेजिंग है, कुछ पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके की आप देख सकते हैं। क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी पूरा अच्छे से ये फिल है और ये पंप एप्लीकेटर में आता है। और इसका जो मैं आपको शेड दिखाती हूँ तो ये एक ऐसा क्रीमी टेक्सचर में आता है और अभी हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी आप देख सकते हैं और ये अच्छे से ब्लेंड हो रहा है आपके, मतलब अगर इसे आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो हाँ बहुत ज़्यादा आपको पिंक टिंट नहीं देगा। कि ऐसा नहीं है कि जब मैंने लिया था तो मेरे को माइंड में था कि ऐसा ना हो कि इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा पिंक हो एंड फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा अजीब लगता है वो। कभी कभी हम डे पे यूज़ नहीं कर सकते, वेडिंग में तो चल जाता है, पार्टीज में चल जाता है, नाइट टाइम के उसमें चल जाता है ये मेकअप में, बट अगर हमें इसे दिन में यूज़ करना है तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है मेरे हिसाब से। तो मुझे था कि बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि बहुत इसके जो शिमरी बहुत ज़्यादा शिमरी लुक हो, तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही माइल्ड है ये जो आप देख सकते हैं। हल्का सा आपको शेड देगा पिंक का एंड आपको इसको लगाने के बाद इल्यूमिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग फाउंडेशन से पहले इल्यूमिनेटिंग का यूज़ करते हैं, इल्यूमिनेटर का वो आपके फेस पर हाईलाइटिंग देता है एंड जब वो आप उसके बाद अभी आप फाउंडेशन लगाते हैं तो आपको ग्लो मिलता है। तो मुझे लगता है ये दोनों का ही काम करेगा, एज अ प्राइमर एंड एज अ इल्यूमिनेटर दोनों का ही वर्क करेगा। तो आपकी इस पर 1 प्रोडक्ट आप ले सकते हैं दोनों के कंपैरिजन में क्योंकि सेम वर्क करता है। अब जो इसका टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है, ये आपके फेस पे बहुत ही अच्छे से अप्लाई होता है, ठीक है। ये आपके पोर्स को हाईलाइट, मतलब अच्छे से मिनिमाइज़ कर देता है और आपके फेस को हाईलाइट करता है, साथ के साथ ही आपके फेस को मॉइस्चराइज यानी कि हाइड्रेट भी करता है और साथ के साथ मॉइस्चराइज भी करता है। तो मुझे लगता है कि जैसे हम ठंड में भी इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करेगा, क्योंकि मैंने इसे अभी 2 दिन पहले ही करवा चौथ के टाइम पर यूज़ किया था तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मुझे थोड़ा सा पैचिंगनेस या फिर ड्राइनेस हो रही है क्योंकि ठंड का मौसम आ ही गया है थोड़ा थोड़ा। तो अच्छे से जो है ये अप्लाई हो गया था फेस पे और बहुत ही स्मूथ लुक दे रहा था। तो आप इसको
जो है अगर आप इस तरीके का भी कुछ ढूंढ रहे हैं, और ये ऑल स्किन टाइप है, मतलब आप इससे किसी भी स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपकी नॉर्मल स्किन है, आपकी ऑयली स्किन है, उसके हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयली स्किन टाइप है। जब आप इसे लगाते हो तो ये आपके फेस पे एक शिमर और एक ग्लो डेफिनेटली प्रोवाइड करता है। मतलब आपके फेस पे एज आप फेस ऑयल लगाने के बाद या मॉइस्चराइजर लगाने के बाद, फर्स्ट जो सेकंड पार्ट होता है हमारा होता है प्राइमर लगाने का। तो हम जब प्राइमर लगाते हैं उसके बाद आपको सीधा फाउंडेशन आप लगा सकते हैं। मतलब आपको कोई भी इल्यूमिनेटर या फिर कुछ ऐसा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड ये और सबसे बड़ी बात है ना, ये आपके फेस पे ग्लो देता है। तो जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो उसके बाद का जो ग्लो आता है वो बहुत ही अच्छे से निकल कर आता है, एंड बहुत ही स्मूथ टेक्स्चर है। तो जो फाउंडेशन है वो भी बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कभी कभार हम चाहते हैं कि हमारे फेस पे फाउंडेशन बहुत अच्छे से इवनली स्प्रेड हो और बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो, तो वही काम करता है। मतलब एक तो ये आपके फेस पे ना जो फाउंडेशन है बहुत इवनली स्प्रेड होता है, क्योंकि वैसे भी जब हम प्राइमर लगाते हैं तो एक ऐसा हमें सरफेस बहुत अच्छा मिल जाता है, यानी कि ब्लर हो जाता है थोड़ा सा हमारा सरफेस, यानी कि पोर्स जो है वो ओपन जो पोर्स होते हैं उसको ब्लर करता है, पोर्स को, हमारे पोर्स को जो ये ब्लर करता है। तो फाउंडेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे से लुक आता है। तो वो तो हम और भी प्राइमर भी काम करते हैं, लेकिन इसमें तो आपको अच्छा सा बेस क्रिएट करने को मिल जाता है। मतलब आप अच्छे से इसको बेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जब इसको यूज़ किया तो मैंने फाउंडेशन जब लगाया तो मुझे बहुत ही अच्छे से एक बटरी टाइप का ऐसा फील हो रहा था, जैसे कोई मक्खन जैसा हम उसे लगा रहे अपने फेस पे फाउंडेशन का। तो बहुत ही अच्छा सा जो है ये लुक क्रिएट हुआ था। एंड अगर मैं बात करूँ कि ये बजट फ्रेंडली है तो ठीक है, मतलब और भी अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं लाइक प्राइमर तो 300 से अंदर आपको अच्छा एक बेस्ट प्राइमर आपको 300 से अंदर तो नहीं मिलेगा, 300 से ज़्यादा का ही आपको मिल सकता है जो कि अच्छा प्राइमर होगा। तो 350 में अगर आपको ये प्राइमर मिल रहा है तो ये आपको आई थिंक जो 1 ईयर तक बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से। आप इसे 1 साल तक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो 350 एक बार में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट है। एंड ये आपको 2-in-1 काम कर रहा है, यानी कि एज आपको इल्यूमिनेटर का भी वर्क दे रहा है, और आप जब इसे लगाते हैं तो आपको इल्यूमिनेटर लगाने की जरूरत नहीं है। एंड वेडिंग एंड नाइट पार्टीज के लिए तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये, तो नाइट टाइम के लिए भी बेस्ट है और बजट फ्रेंडली भी है। एंड फाउंडेशन जब हम अप्लाई करते हैं तब भी बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो और क्या ही चाहिए, अगर आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो एंड स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट है। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ अभी, मैंने प्राइमर यूज़ किया है इसका भी जैसे अभी हाल ही में, एंड इसका हाइलाइटर भी बहुत ही बेस्ट है, इसका फाउंडेशन बेस्ट है, एंड इसका मैंने अभी ब्लश पैलेट भी मंगाया हुआ है जो कि मुझे अभी इसके बाद रिव्यू करना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसका रिव्यू। तो ये ब्लश पैलेट भी है, तो अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छी क्वान्टिटी के साथ स्विस ब्यूटी जो अपने प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड कराता है, तो आप इसको एक बार डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको 350 के आसपास या 350 मतलब आपको एक अच्छा प्राइमर चाहिए और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपके फेस पे ग्लो भी हो तो आपके फाउंडेशन को ब्लैक भी ना करे, तो आप इस पे जा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रेट भी रखता है आपके फेस को, आपको बहुत ज़्यादा पैचीनेस भी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने बता दिया आपको कि मुझे ये चीज़ में इसमें इस प्रोडक्ट में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही रिव्यूज़ वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, एंड साथ के साथ ब्यूटी टिप्स भी। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।